हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड के लिए एग्जाम फॉर्म्स आउट हो गए हैं, वही अपडेट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी बीएड से रिलेटेड आपको इस चैनल पे काफी सारा कंटेंट मिल जाता है। देखिए, कुछ इस तरीके से सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है, जो कि यहाँ पे 14 तारीख को यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे अपलोड किया है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि आप सभी के जो एग्जाम फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। 25 जुलाई तक अगर आप अपने एग्जाम फॉर्म्स फिल कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी लेट फीस आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद अगर आप जो अपने एग्जाम फॉर्म्स हैं वो फिल करते हैं तो 500 रुपये लेट फीस के साथ आप 1 अगस्त तक भर सकते हैं, और उसके बाद 1000 रुपये लेट फीस के साथ आप 8 अगस्त तक भर सकते हैं। सो बेसिकली 8 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है एग्जाम फॉर्म्स को फिल करने की, राइट? तो ये शेड्यूल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जारी किया है बीएड जनरल स्टूडेंट के लिए और बीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, राइट? साथ में जो स्पेशल मर्सी चांस चाहते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैक ईयर 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016, तो उनके लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है, बीएलएड और बीएड दोनों के लिए है। तो आप इस तरीके से अपना स्पेशल मर्सी चांस का भी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एग्जाम फॉर्म्स आप खुद नहीं भरते हैं, ये आपकी साइड से जो है कॉलेजेस फिल कर देते हैं। तो आप कॉलेज को कॉन्टैक्ट इसके लिए जरूर करें कि उन्होंने टाइमली आपका फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है या नहीं। ऐसा ना हो कि कॉलेज फिल ना करे या किसी डॉक्यूमेंट या फीस की वजह से उस चीज को रोक दे, तो एक बार कॉलेज के साथ आप कोऑर्डिनेट जरूर कर लें। सो इससे क्लियरली ये पता चलता है। तो देखिए, 10 अगस्त तक 15 अगस्त तक तो मान लीजिए आपके एग्जाम्स नहीं है, ठीक है? वैसे तो एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 29 तारीख से 29 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होने हैं, बट यस, दैट इज वेरी लेट। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी को नीड है आप पे कि अगस्त में या सितंबर की स्टार्टिंग में भाई एग्जाम कंडक्ट करा दो। सितंबर अक्टूबर तक खींचना इसको बहुत लेट हो जाएगा। फिर रिजल्ट आता है आपका, 2 महीने आप उसमें लगा लीजिए, तो ऐसे काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि सीटेट के भी फॉर्म्स जो है वो अगले महीने हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सीटेट का भी जो एग्जाम है वो दिसंबर, इसी साल दिसंबर में है, उसका भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है। तो स्टूडेंट्स के टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा के टाइमली उनको रिजल्ट दे दिया जाए, ताकि वो जो है सीटेट के फॉर्म्स भर सके और सीटेट के लिए अब जो है प्रॉपरली एग्जाम दे सके दिसंबर जनवरी जब भी एग्जाम होगा। सो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल, देखिए हमारी वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी के अगर ऑफिशियल्स इस वीडियो को देख रहे हैं सो डेफिनेटली इस चीज पर बात करें और अगस्त एंड में स्टूडेंट्स के एग्जाम या सितंबर के स्टार्टिंग में कंडक्ट करा दिए जाए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, सितंबर लास्ट इज वेरी लेट फॉर द स्टूडेंट्स। ऑल्दो उनकी भी बात ठीक है कि भाई इतने जो नंबर ऑफ डेज होते हैं टीचिंग के, वो उनको भी दिखाने जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीटीई रूल्स, कि इतनी दिन क्लासेस आपको लगानी ही लगानी है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग 28 सितंबर तक क्लासेस है, 29 से फिर एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो इसके बारे में सोचे। बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा रही है, एमडीओ के एग्जाम्स ऑन गोइंग है, कुरुक्षेत्र अपने फाइनल ईयर की एग्जाम ले चुका है, फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है, एंड एमडीयू फर्स्ट ईयर की भी डेट शीट जो है जल्द आ जाएगी, और 14 से एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली 14 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज नीड ऑफ द आर कि हरियाणा की इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी सीआरएसयू भी इसके बारे में सोचे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सीआरएसयू बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से नोट्स और लास्ट 5 ईयर्स की बुक्स अवेलेबल होती हैं। 5 ईयर की बुक्स इस तरीके से हैं, कुछ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही हैं। अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आपको देखिए डिलीवरी जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके अपने पोस्टल एड्रेस पर आपको बुक्स डिलीवर हो जाती है, क्योंकि सीआरएसयू का हम पैटर्न देखिए 2014 की एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। अगर हम पैटर्न देखें पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स का, तो जनरली क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से प्रिपेयर करें, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग सिलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी, और थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ यही अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू।